इलास्टिक स्ट्रिंग है विद यंग्स मॉडुलस वाई जो कि स्प्रिंग की तरह काम कर सकती है इसका स्प्रिंग इसका टाइम पीरियड क्या होगा तो अगर मैं वाई को के की फॉर्म में लिख लूं यंग्स मॉडुलस को अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो ये दो स्प्रिंग्स किस में माने जाएंगे इन सीरीज तो k1 k2 k1 k2 तो टाइम पीरियड का फार्मूला t 2 पाई √ m k इक्विवेलेंट k इक्विवेलेंट आपको आता है

कांस्टेंट, ये वैल्यू को यहां करके टाइम पीरियड की वैल्यू कैन कैलकुलेटेड। तो स्प्रिंग भी क्लियर है. है अगर मान लो आपका कोई पेंडुलम मीन पोजीशन से चला और वो एक्सट्रीम तक पहुंचा एक्सट्रीम पे पहुंचने का मतलब आधे तो का, का t बाई टू है आधे से आधे का t बायोर है पर आपको ये बताना है कि आधे से आधा मीन वन फोर्थ क्योंकि टोटल तो एक दो तीन और चार होता है तो कैपिटल टी है तो यहां से यहां जाना कैपिटल टी बाई फोर बिल्कुल सही है लेकिन पेपर में आएगा कि यहां से इसके मिड पॉइंट तक आना है तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के मिड पॉइंट तक आना है यहां तक तो कितना समय लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है एक कॉमन मिस्टेक है लोग क्या करते हैं टी बाई फोर का आधा टी बाई एट बोल देते हैं जो गलत है क्योंकि अंदर से स्पीड पेंडुलम की क्या हो रही है चेंज तो यूनिफॉर्म स्पीड तो है नहीं कि डिवाइड कर दिया आंसर आ गया ये तो गलत हो गया तो आपको क्या करना होगा अगर आपको इसके अंदर कोई टाइम निकालना है कॉर्डनेंट के भी अंदर तो आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी वाईक्वल टू ए साइन ओमेगा जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे ए बाई टू ए से ए कैंसिल साइन ओमेगा हाफ तो साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा क्या है तो पाई से पाई से टी टी की वैल्यू आ गई। तो कितने कितने समय समय में में बॉडी यहां 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 जाएगी? आंसर है लेकिन आ जाएगा। तो क्लियर है कि कैसे सोचना आपने इसमें टाइम पीरियड कैसे निकलेंगे जैसे इसके अंदर यह क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी ये बताया था कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और दो मासेस अटैच्ड हैं स्प्रिंग के कॉर्नर पे हमने जो टॉपिक किया हुआ है स्प्रिंग मास सिस्टम में उसमें एक स्प्रिंग है और एक मास है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एम बाई के और अगर मान लो एक स्प्रिंग और दो मास हैं, तो उस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज पाई रूट म्यू बाई के फॉर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट म्यू का मतलब है रिड्यूस्ड मास ऑफ अ सिस्टम और म्यू का मतलब याद रखना है एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू पुट कर देना आंसर आ जाएगा तो हमने एक स्प्रिंग और एक मास का केस तो किया हुआ है तो रूट M K, पर अगर एक स्प्रिंग और दो मासेस अटैच है तो फिर म्यू की वैल्यू क्या आएगी एम वन एम टू बाई एम वन प्लस ठीक है M1, जैसे सपोज ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको तीन स्प्रिंग्स के बनना है पहला दूसरा और तीसरा तीनों नाइन्टी डिग्री पे हैं। यह, यह 90 है ये ये नाइनटी डिग्री पे है सॉरी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव और ये बिल्कुल रेस्ट पे है और यहां पर एक मास है एम लगा हुआ है इसको भी स्प्रिंग को बांध दिया इसको भी बांध दिया और इसको भी बांध दिया बांधे हुए हैं सारे ये मास एम है और ये इनमें से तीनों स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ पे कोई भी इसमें खिंचा और एक्सपेंडेड नहीं है एक्सपेंडेड नहीं है कंप्रेस नहीं है नेचुरल है आप गए आपने इसको पकड़ा

ये मास और तीनों स्प्रिंग एस एच एम में उसका टाइम पीरियड निकालने तो कोई कहेगा सर ऐसा कर लो इसके अंदर सीरीज पैरल देख लो आंसर आ जाएगा इसमें ना तो कोई सीरीज में ना कोई पैरल में जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग सीरीज में या पैरल में हो इसमें कोई सीरीज पैरल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसके अंदर क्या करना है आपको आपको एस एच एम बनाना पड़ेगा कैसे बाय कैलकुलेटिंग रिस्टोरिंग फोर्स तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स देखते हैं पूरे सिस्टम पे क्या लगी एक-एक करके जवाब देना ठीक है पहले इस चीज का आंसर देना कि अगर मैंने इसे नीचे कर दिया बाय अ डिस्टेंस ऑफ वाई तो ये कितना कंप्रेस हो गया वाई तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी माइनस के वाई इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो एक स्प्रिंग का काम तो क्लोज कर दें फिर अगर मैंने इस मास को नीचे खींचा वाई तो ये स्प्रिंग कितना एक्सपेंड हुआ बाय अ डिस्टेंस ऑफ वाई ना ये स्प्रिंग टेढ़ा और ये स्प्रिंग सीधा है ऐसा कैसे हो सकता है ये और ये ऐसे आ रहे हैं और कॉम्पोनट तो लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का तो मैंने नया डायग्राम बनाया इसके अंदर मान लो ये मास है। इसको मैंने नीचे कितना खींचा वाई सब एंगल 45 45 फाइव है इसमें तो ये जो स्प्रिंग जाएगा ये वाला ये वाला स्प्रिंग ये वाला इसका डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पोनेट यहां पर क्या गिरेगा वाई कॉस फोर्टी फाइव तो ये स्प्रिंग यानी कि कितना एक्सपैंड होने वाला है y 45. और ये स्प्रिंग भी सिमिलरली कितना एक्सपैंड होने कितनाटेंट है? है तो अब एक चीज बताओ कि इसके अंदर जो एक्सपेंशन एक्सपेंशन होगी वो वाई कॉस फोर्टी फाइव है और इसकी एक्सपेंशन भी कितनी है वाई कॉस फोर्टी फाइव है

ऐसी है क्या स्टेप समझ में आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की तरह ही जो ये वाला स्प्रिंग है इसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे है पर इनकी डिस्प्लेसमेंट साइड पे है रिस्टोरिंग फोर्स इसकी कहां पर है नीचे है तो इनकी ऐसी है अभी काम करना पड़ेगा रिस्टोरिंग फोर्स हम क्या करते हैं हम इसके अंदर जो भी रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर होगी मान लो fb होगी मान लो fb होगी f of b के दो कंपोनेंट होंगे एक fb cos 45 और एक fb sin 45 fc के भी दो कंपोनेंट होंगे fc cos 45 fc sin 45 fc fe की मैग्नीट्यूड तो सेम है तो ये वाले कंपोनेंट आपस में क्या हो गए कैंसल, तो इस मास की डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में नहीं होगी कहां पर होगी सिर्फ y में होगी तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बोलो इसकी रेस्टोरिंग फोर्स कितनी है

एफ ए के अंदरिंग फोर्स क्या के वाई एफ बी के अंदर क्या है के इन टू वाई y फोर्टी फाइव क्योंकि एक तो तो का लगा हुआ है तो दो बार आएगा एक बार डिस्प्लेसमेंट का एक बार फोर्स का ऐसी इसके अंदर भी फोर्स क्या है k वाई कॉस्ट फोर्टी फाइव और ये तो लगाई हुआ है cos फोर्टी फाइव तो कॉस फोर्टी फाइव दो बार इसलिए है क्योंकि एक बार डिस्प्लेसमेंट की वजह से और एक बार फोर्स की वजह से हो गया क्वेश्चन सॉल्व सिंप्लीफाई करें ये टर्म आ गई ऐड करें ये टर्म आ गई एक्सलेशन ये टर्म आ गई एक्सलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई कंपेयर करके ओमेगा आ गया ओमेगा से टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट आ सकते हैं कई लोग इसका आंसर ही याद कर लेते हैं यार टाइम पीरियड टी पाई रूट एम टू के पर अगर भूल जाए और नया क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो गया कि इसमें करना कैसे है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बुक्स का चेंज होके के नहीं आता स्टैंडर्ड ये इसी टाइप में स्प्रिंग क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देगा भी नहीं देखो तो कॉम्प्लेक्स है इतना बड़ा क्वेश्चन होगा भी नहीं आपसे अभी बट हाँ अगर क्वेश्चन आ जाए तो आइडिया समझ में आ गया कि कैसे करना है इसमें क्वेश्चन सॉल्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत आता है कॉम्पिटिशन में वो कहेगा कि इसमें मैंने शायद नहीं मैंने बताया नहीं है सपोज करो एक स्प्रिंग और मास है तो एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के और मास कनेक्टेड क्या है एम इसके ऊपर एक और मास है कितना एम टू

के डिवाइडेड बाय एम वन सेम टू आंसर स्प्रिंग मास सिस्टम ओमेगा मीन्स टाइम पीरियड निकालने की बात है टाइम पीरियड और ओमेगा तो रिलेटेड ही है ओमेगा से टू पाई बाई टी टी आ गया ओमेगा बात तो एक ही है तो कहता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा क्या होता है अंडर उ बाय एम तो इसमें पुट कर देना एम वन सेम टू बात खत्म हाँ तो ठीक है।, है तो कह रहे हैं दोनों मास चिपके हुए हैं तो स्प्रिंग मास सिस्टम तो हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा का फॉर्मुला तो स्टैंडर्ड फॉर्मुला यूज़ किया डन

एक्सट्रीम बोल रहे हैं ऐसा क्यों पर तो वेलोसिटी जीरो वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है और एक्सलेशन मैक्स है प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन है तो क्योंकि वेलोसिटी नहीं देखनी देखनी है अच्छा चलो इमेजिन करो मैं हूं वो एम टू मेरा नाम एम टू है और ये ब्लॉक है एम वन देखो मेरे को साथ साथ घसीट रहा है ये अब जब ये ब्लॉक नीचे वाला इधर जाता है तो मैं पीछे गिरता हूं, because of pseudo force. पर मैं तब पीछे गिरता हूं ना जब नीचे वाले ब्लॉक में तो हो, तभी तो से मेरे पे सूडो फोर्स क्या लगेगी मीन पे जीरो प्रॉब्लम कहां पर आनी है जब मैं एक्सट्रीम पे होऊंगा में आ रहा है? इस सारी गेम पे है। अच्छा मैं चलो आपको एग्जाम्पल कितने लोग किसी मेले में गए होंगे और उन्होंने कलम्बस लिया होगा वो होते नहीं? शिप सी करती है। लिया किसी ने बैठे तो ना उठते हैं कब जब वो कहां पे जाता है एक्सट्रीम पे मीन पे सेफ फील करते हैं यार चलो अगले राउंड में देखते हैं क्यों क्योंकि एक्सट्रीम पर रिस्टोरिंग फोर्सेस मैक्सिमम है एक्सलेशन मैक्सिमम है और आपकी सूडो फोर्स वहां पर मैक्सिमम है और मीन पे आप सेफ हो जबकि वेलोसिटी मीन पे सबसे ज्यादा होती है उसकी पर फिर भी आप सेफ हो पॉइंट समझ में आ रहा है ऐसा क्यों क्लियर है यहां तक तो इसमें कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि जब भी ये एम एम वन यहां पे आएगा एम वन एक्सट्रीम पे आएगा तो इसकी यहां की एक्सेलेशन जाने की क्या होगी मैक्सिमम कितनी होगी ए ओमेगा का स्क्र क्योंकि मैक्सिमम एक्सोलेशन का कर था, मैंने A और बहुत, तेजी से आने वाला बहुत है इसमें, तो कहां लगेगी पीछे कितनी M2 A max. पूरा चांस है एक्सट्रीम पोजिशन पर एम वन एम टू सेट हो सकते हैं अगर एक्सट्रीम पे सेपरेट ना हुए फिर रास्ते में भी नहीं होते आपको ये भी बता दिया मैंने होना होगा एक्सट्रीम हो जाएंगे मीन पे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे और रास्ते में भी नहीं होंगे क्योंकि मैक्सिमम एक्सलेशन कहां पर है मीन पे तो सूडो फोर्स मैक्सिमम कहां पर है एक्सट्रीम पे तो ये एक्सट्रीम पे बाहर गिरने की कोशिश कर रहा है कौन बचाएगा इसे फ्रिक्शन तो अगर आपकी फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू सूडो फोर्स हो जाए तो ये कम से कम एम टू एम वन से सेपरेट नहीं होगा कंडीशन पता लग गई तो हो गया कोई फ्रिक्शन <coughs> किससे बड़ी है

ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड रिलीज फाइन टेंशन टी ओके एक स्प्रिंग है और आप ये ना कोई बॉडी सिलेंडर है मान लो ये ना आराम से रेस्ट पे था हवा में रेस्ट पे नहीं था इसका कुछ पोर्शन किस में था पानी में था कुछ हवा में कुछ पानी में है तो ये आराम से पड़ा हुआ था आप गए आपने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया अब ये किस में हो जाएगा इन एस एच एम तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये बता दो वो क्या रहे मेरे पास कोई इसका फॉर्मूला नहीं है मैंने आपको कोई डेरिवेशन नहीं करवाई जिसमें आधा पानी में आधा बाहर है और फिर टाइम पीरियड निकल जाएगा कोई ऐसा नहीं है मेरे पास मैंने ये बताया था कि अगर कोई बॉडी पूरी तरह पानी में है पूरी तरह स्प्रिंग और मास सिस्टम तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि टी इज इक्वल टू टू रूट एम बाई के ना एम चेंज हो रहा है ना के चेंज हो रहा है कोई फर्क नहीं लेकिन मैंने ये नहीं करवाया था

तो इसमें अपथ्रस्ट एक्स्ट्रा जनरेट हो गया मैंने उस टाइम भी यह रहना पसंद करता है, है। जबरदस्ती मारा तो ये ऊपर आएगा ही आएगा एक्स की वजह से इसकी वजह से नहीं है तो ऑलरेडी यहां पर रेस्ट पे ही था तो जब आपने एक्स धक्का मारा तो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट जनरेट हो गया लेकिन साथ में एक और भी कॉन्सेप्ट लग गया स्प्रिंग क्योंकि स्प्रिंग भी तो खींच आपने डिस्टेंस ऑफ़ तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स 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 डेवलप होगी पर ऊपर 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 तो 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 एक तो है उपर, और एक एक्स्ट्रा है है और स्प्रिंग कांस्टेंट की भी नेट रिस्टोरिंग तो क्या बनेगी, KX तो बनेगी, बनेगी, भी बनेगी. अब क्या होगा यह पोर्शन ने कितनाशन ये बेसिकली एक बार फिर से डेरिवेशन कर रहे हो आप जो आपने सिलेंडर फ्लोटिंग की, की थी जो आपका फ्लोटिंग सिलेंडर है उसमें स्प्रिंग नहीं था बाकी तो ये ये चीज तो उसमें भी थी इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा फोर्स है स्प्रिंग की जो ऐड हो गई और एक्सेलेरेशन एक्स के प्रोपोर्शनल है एस एच एम की इक्वेशन है ओमेगा की वैल्यू आ गई ओमेगा टू पाई बाय टी आ गया टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई तो आप डिफरेंस देख रहे हो सिलेंडर का तो अगर याद होगा होगा साथ में अगर स्प्रिंग भी लग गया तो ये कॉन्सेप्ट करना ईजी होगा

और ये प्लेटफॉर्म जो नीचे जाएगा नहीं कर रहा है ऊपर तो सूडो फोर्स कहा है नीचे तो एन टू की वैल्यू क्या होगी यहां पर एम जी प्लस एम एमेगा स्क्र आंसर तो पॉइंट समझ में आ रहा हैं यहां तक कि कैसे इसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा कब है जब प्लेटफॉर्म ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है और कम कब है जब नीचे गिर रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे फिर चलते हैं मेला घूमने मेले घूमते हैं फिर घूम के आएंगे कोई ऐसा झूला सोचो जिसमें आपको व्हील नीचे गिरते हो जब आप नीचे होते हो ना ऊपर जा रहे होते हो आप सेफ फील करते हो वो ठीक है बच गए यार जब टॉप पे पहुंचते हो और फिर वो नीचे गिरता है फिर कुछ होता है वो कुछ होता है इसलिए कुछ होता है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाती है और हमें नॉर्मल रिएक्शन कम करना पसंद नहीं है ज्यादा करने में दिक्कत नहीं क्योंकि पैर जमीन पे लग जाते हैं सेफ फील करते हो जमीन पे लगे हुए जोर की क्योंकि जब आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हो तो नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल से ज्यादा है तो सूडा फोल नीचे लग रही है आपको दबा रही है तो आप जमीन के जितने कॉन्टेक्ट में हो उतना आपको अच्छा लगेगा ठीक लगेगा सेफ फील करोगे जब आप ऊपर से नीचे गिरते हो फिर आपका पैर भी जमीन से उठता है फिर से एक बार वो भी उसमें उसमें भी तो होता है शेप जब लेते हो वो भी तो ऐसे ही है जब ऊपर जाते नीचे आते तब डर लगता है नीचे से ऊपर थोड़ा ना प्रॉब्लम है ऊपर से नीचे प्रॉब्लम है कि जब ऊपर से नीचे गिरते हैं नॉर्मल रिएशन कम कम हो जाता है हमें यह डर होता है मन में कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन कहीं जीरो ही ना हो जाए यानी कि पैर हवा में बिल्कुल ही हवा में ना आ जाए फिर तो मैं शायद गिर ही जाऊंगा लेकिन देखो क्या डिजाइनिंग है आधा पैर उठता आधा रह जाता है अगर पूरा ही उठ जाएगा हो सकता है बंदा लगता है बाहर ही आ जाऊंगा नहीं तक तो ये एन कोई जीरो नहीं करना चाहता अपना एन जीरो में हर किसी को डर लगता है एन ज्यादा हो जाएगा वेट से कोई चक्कर नहीं समझ में आ रहा है यहां तक फिर इस कैसे लग रही है इसमें ठीक है आप लिफ्ट के अंदर भी जाए लिफ्ट जब ऊपर जा रही होती है बहुत तेज लिफ्ट जहां चलती है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब नीचे आ रही होती है फिर आप फील करते हो यार काफी तेज लिफ्ट है जो तेज चलती है लिफ्ट उसके अंदर फील होता है नीचे आने में ज्यादा फील होगा ऊपर आने में कम फील होगा ठीक चलो ठीक है सही है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर टू पेंडुलम्स

और एक थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा है कितना ज्यादा समय ले रहा है माइनस करें दोनों को तो आंसर क्या आएगा टी फोर, राइट जब एक पेंडुलम मूव करता है अकेला पहला पेंडुलम जो टाइम टी ले रहा है उसका एक काम करो अपने मन में सोचे इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो एक चक्कर पूरा कर चुका वो कर गया जो दूसरा पेंडुलम है वो ज्यादा समय ले रहा है उसका एंगल सेंटर पे कुछ और होगा

तो भी आंसर तो आएगा नहीं क्योंकि तो डिस्प्लेसमेंट का फेज डिफरेंस है हमें तो विलोसिटी डिफरेंस निकालना है तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी विलोसिटी मेडिकल में चांस कम है नॉन मेडिकल में तो आ सकते हैं आराम से उनको कैलकुलेट करवाया जाएगा अभी करवा भी रहे होंगे मैथ्स में और बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा पर मेडिकल में समझ सकते हैं इसमें कि फेज डिफरेंस बिटवीन विलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल में पहले वाई की इक्वेशन लिखें और विलोसिटी निकालें इसको डिफ्रेंशिएट करके तो डी बाई ऑफ ये पूरी टर्म करें

मेडिकल वाले मेथड सीख लें कोई छोटी कैलकुलस की वैल्यू आ जाए बात अलग है बड़ी वैल्यूज नहीं आ सकती चलो आइडिया हो गया वी वन आ गया फिर वाई टू लिखे वाई टू को डिफ्रेंशियट करें वाई टू को डिफ्रेंशिएट करके आपके पास मान लो आंसर ये आ जाता है तो वी टू आ गया अब वी वन आ गया वी टू आ गया अब प्रॉब्लम है वी वन में आ रहा है कोर्स में और वी टू में आ रहा है माइनस साइन में पहली बात तो माइनस बात छोड़ना नहीं है

नॉन मेडिकल के लोग प्लीज मेडिकल रिलैक्स करें नॉन मेडिकल के लोग समझ कॉस है जान बुझ के कॉस बनाया ताकि दोनों कॉस में है और फेज डिफरेंस निकाल लें फेज का मतलब क्या होता है एंगल तो इस विलॉसिटी का एंगल ये है फेज ये है पूरे का पूरा फेज है और विलॉस इसका फेज ये पूरे का पूरा ये फेज है आपको फेज का डिफरेंस निकालना है एंगल का डिफरेंस निकालना है दोनों एंगल को माइनस करकेगा आंसर थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा क्वेश्चन तो आइडिया समझ में आ रहा है कि करना क्या लॉजिक है, क्या है इसमें थोड़ा सा मैथ्स चाहिए होगा वो कैलकुलस करवा देंगे मैथ्स वाले नॉन मेडिकल वालों को एक मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक मेडिकल नहीं करेगा इसे कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन इतनी वैरायटी है मैक्सिमम स्पीड ऑफ बॉडी इन एस एच एम इज वी मैक्स मैक्सिमम स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम अगर मैं ये पूछू इस पेंडुलम का यहां से यहां जाना वेलोसिटी क्या है तो आंसर क्या होगा जीरो क्योंकि आना और जाना डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज विलोसिटी जीरोज स्पीड तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ए एपिटल्टी यह आंसर है बट आपको आंसर ऐसा देगा ही नहीं ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में वो आपको नहीं देगा ओमेगा की फॉर्म में देगा तो ठीक है अगर ओमेगा की फॉर्म में देगा कैपिटल टी इज इक्वल टू टू पाई बायेगा अगर ओमेगा की फॉर्म में भी नहीं देगा

ग्रेविटेशन रिवाइज तो भी करवाई दूंगा मैं आपको एन वाली क्लास में भी शुरू हो जाएगी वो तो आज पूरा ग्रेविटेशन उठ जाएगा और टेस्ट भी नहीं है वो तो छोटा टेस्ट है वेव वाला बड़ा टेस्ट नहीं है मीन्स तो उसमें क्या है कि आपका खुला टाइम मिलेगा ग्रेविटेशन करने का इसमें लिखते हैं जाएं कमेंट्स में नॉट फॉर मेडिकल फ्री बैठे हैं तो सुन लें क्या देयर आर टू एसएचएम ऑफ इक्वल एम्प्लिट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड 2 ओमेगा तो एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एक की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है एम्प्लिट्यूड ए है आर आर इंप्रेस्ड ऑन अ बॉडी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस तो एक मैंने एसएचएम एक्स एक्सेस में करवाया और एक मैंने वाई एक्सेस में करवाया तो एक की डिस्प्लेसमेंट एक्स में और एक की डिस्प्लेसमेंट वाई में

खत्म का, का शुरू मैथ्स लगाओ अपनी एक्स की इक्वेशन वाई की इक्वेशन लिखो। मेडिकल वाले नहीं एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे एक्स की वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी क्या आ गया तो वाई की जो वैल्यू ए वाली वैल्यू वाई इसके अंदर टू ए साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्तर ओमेगा इन टू ओमेगा टी कोई फर्क नहीं अब कॉस ओमेगा क्या है स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय आंसर मार्क कर लेना मैथ है कोई एस एच नहीं है मैथ से एक्स और वाई का लोकस निकालते हैं जैसे बस वैसे निकालना है घर जाके जब पढ़ोगे ना दोबारा ये क्वेश्चन तो अगली बार डाउट लेके आओगे हाँ अभी आ रहा है हाँ पाई बायटू फर्स्ट इक्वेशन में क्यों पुट किया मैं वेट ही कर रहा था मुझे कैसे पता लगा कि पाई बाई टू इसमें पुट करना है इसमें क्यों नहीं पुट करना हिट एंड ट्रायल है, पता आंसर नहीं आ रहा था। बहुत है ना ठीक है क्योंकि आंसर ही नहीं आया तो फिर ऊपर लगा दिया एक में तो आना ही था आंसर तो इसमें आया उसमें आया नहीं देखो मैं क्या कह रहा था ना घर जाके हो सकता है सोचो कि यार ये पाप बाईट ऊपर ही क्यों लगाया नीचे क्यों ही लगाया उसने दिया ही नहीं कौन आगे कौन पीछे अगर दे देता बात अलग थी समझ में आ रहा है यहां तक किसी में तो लगाना पड़ेगा तो किसी में लगाया तो आंसर आया नेक्स्ट ये बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों देखो एनसीआरटी के लेवल में फर्क है आप देख रहे हो थोड़ा सा डिफरेंस फ्रिक्वेंसी भी चल रहा है लेक्चर एनसीआरटी देखो ना फॉर्मुला बेस चल रही है वाई निकालना है टाइम फॉल्टी टी बाई सिक्स पे वाई निकाल दो एनर्जी निकाल दो बात खत्म हो गई ठीक देखो जरा क्वेश्चन देखो

मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज टोटल एनर्जी अब टोटल में से पोटेंशियल माइनस कर दो क्या आएगी तो ये लो आ गई माइनस करके अब लगाओ इक्वेशन क्या गिवन है पोटेंशियल इज वन बाई थ्री कानिक पोटेंशियल गिवन है kinetic निकाल ली सॉल्व करके एक्स आ गया आंसर सही क्वेश्चन है कभी भी मतलब पोटेंशियल एक्स की फॉर्म में गिवन हो तो पहले मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल के टोटल में से पोटेंशियल माइनस करके कॉनेटिक नहीं अल्फा कुछ भी कॉन्सटेंट है सही है ना क्वेश्चन ये भी ट्रिक है ये भी सही ट्रिक है बहुत आता है बहुत आता है बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा आता है कराया था मैंने एनसीईआरटी में करा दिया था ये दो क्वेश्चन मैंने करवाए थे प्लेटफॉर्म वाला और ये भी लिखवाया था कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग और मास है टू एंड फ्रो मूव कर रहा है और जब ये मीन पोजिशन और मान लो ये मूव कर रहा है विद ओमेगा या मूव कर रहा है एम्पलीट्यूड इसका ए है जब ये मीन को क्रॉस करता है मीन एक्सट्रीमली मीन से पास हो रहा था आपने जेंटली इसके ऊपर एक और मास्क प्लेस कर दिया फॉर्मूला बुकलेट में लिखने को कहा था कि जैसे जेंटली प्लेस्ड अगर आ जाए तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो आप ऐसा कर सकते हैं इसमें एम वन वी वन इज एम टू वी टू जेंटली प्लेस में नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड तो पहले मास क्या है एम और विलोसफी मीन पोजिशन पे सब कुछ हो रहा है वी मैक्स फिर आपने अगली बार अपने मास को बढ़ा दिया और विलोसफी क्या होगी वी मैक्स सब कुछ मीन पे हो रहा है वी मैक्स के साथ काम करेंगे वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है ए ओमेगा और दूसरे केस में ए डैश ओमेगा डैश अब ए डैश निकालना है ओमेगा क्या होता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम और नया ओमेगा क्या हो गया अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम प्लस एम तो इसे पुट करके सॉल्व करके ए डैश आ जाएगा बढ़िया क्वेश्चन है पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे स्टार्ट मैंने आपसे क्लास में पूछा भी था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे करेंगे था मैंने बुक में इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन okay, है नेक्स्ट, इंक्लाइन आपको टाइम पीरियड है आपको टाइम पीरियड सिंपल पेंडलम आसान है, है, रूट है जी। वो तब है जब तो गाड़ी रेस्ट पे है। ये तो एक्सोलेट करती हुई आ रही है तो इस ऊपर क्या लगेगी पेंडुलम पे, पे सूडो फोर्स सही है तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा ऐसा बनेगा आपके पास अब नेट एक्सोलेशन एक तो जी तो बनेगी बनेगी और क्योंकि कैरेज नीचे आ रहे हैं जी साइन थी तो पीछे लगेगी जी साइन थीटा तो ए अगर नीचे है तो ए पीछे तो नेट एक्सोलेशन इस पेंडुलम पे क्या लगेगी वेक्टर सम ऑफ दिस दिस एंड अब मान लो इसमें एंगल नाइनटी और ये एंगल क्या बनता है थीटा तो नेट एक्सोलेशन जो टाइम पीरियड बनेगा वो क्या बनेगा टी टू टू बाई रूट एल अपॉन जी डैश अब नई एक्सलेशन क्या बनेगी वेक्टर सम लेंगे किसका इसका और इसका तो इसकी एक्सलेशन क्या है जी तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा मैथ में कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वार्टर का मतलब माइनस साइन थीटा सिंप्लीफाई किया जी डैश निकाला जी डैश को पुट किया आंसर आ गया अब तो याद भी हो गया आंसर एल अपॉन अंडर जी थीटा कैरेज नीचे आएगा तो जी थीटा लगा देंगे प्रैक्टिस बोलते हैं ऐसे प्रैक्टिस कई क्वेश्चन मैं देखो तो मैं ये नहीं कहता हूं, मैं क्वेश्चन याद करने को कहता हूं जब तो बहुत प्रैक्टिस हो जाती है ना बंदा कई बार ऐसे बोलता है दिखा हुआ है हाँ लग रहा है जी थीटा वो लगने के चक्कर में ठीक भी हो जाता है एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही है समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोचना है आपने इसमें डैम्पिंग अभी बाद में करेंगे तो ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है पुली के ऊपर और एक रस्सी है रस्सी यहां से बांधी और ये मास एम है टेंशन टी एंड टी है पुली के इस एंड पर टेंशन ट्वाइस है बताया था थ्रस्ट ऑन दी पुली तो यहां पर टेंशन क्या है टू टी ये भी रूल करवाया था कि अगर मैंने इसको वाई डिस्प्लेस किया तो यहां पर बाई बाई टू हो जाएगा लॉज ऑफ मोशन में किया था ये कि जब इसकी एक्सलेशन ए है तो इसकी ए बाई टू है तो आपको क्या निकालना है टाइम पीरियड निकालना है पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट है भाई ये टाइम ये टेंशन है टाइम पीरियड नहीं है तो कंफ्यूजन ही हो जाती है ये टेंशन है कि टाइम पीरियड है तो स्प्रिंग के केस में फोर्स कितनी है टू टी स्प्रिंग को कितना आपने एक्सपेंड किया वाई बाई टू तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है माइनस के इन टू वाई टू तो टेंशन की वैल्यू आ गई टेंशन फोर्स यहां पे इज इक्वल टू एम ए फोर्स टू एम एक्सलेशन वाई के साथ एस एच एम के साथ कंपेयर ओमेगा आ गया ओमेगा से टाइम पीरियड आंसर आ गया तो पुली और पुली के ऊपर जो स्प्रिंग लगे होते हैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम स्प्रिंग की फोर्स निकालते हैं स्प्रिंग की फोर्स डबल है इज माइनस के इनटू वाई बाई टू से फोर्स मास इनटू एक्सेलेशन से टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं ठीक ना कर रखा हो तो समझ में नहीं आएगा शुरू कहां से करना है ठीक है ना तो नेक्स्ट अगर आपके पास तीन तीन इक्वेशन है एस एच एम की पहली इक्वेशन है ये या वेव की भी बोल सकते हैं दूसरी इक्वेशन ये तीसरी ये फाइंड रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड अब मैंने ये तो सिखा रखा है कि अगर एक साइन है एक कॉस है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर होता है किया था हमने एस एच एम में पर मैंने तीन ही क्वेश्चन एस एच एम में सॉल्व करनी सिखाई तो एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका देखो सबसे पहले ये इक्वेशन है ये तीनों के तीनों साइन में है अगर एक कॉस में होगी तो पहले मेरे को सब कुछ या साइन में या कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पर इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो देता नहीं है या तो तीनों साइन में देगा या तीनों कॉस में देगा इतना ही बहुत बड़ी बात है इतना भी हो जाए तो तो इसके अंदर जो पहली क्वेश्चन है उसका एम्पलीट्यूड कितना है दो चलो इमेजिन कर लेते हैं कि ये वो वेक्टर है दो क्योंकि एम्पली क्वान्टिटी नेक्स्ट है दूसरा जो एम्पलीट्यूड ऑफ फोर है वो पहले के फेज से पहले का फेज क्या था ओमेगा टी। पहले ने जो वैक्टर बनाया उससे पाई बाय सिक्स आगे है तो ये वेक्टर फोर है पाई बाय सिक्स का मतलब क्या था थर्टी डिग्री तो ये वेक्टर फोर इससे आगे है बाय एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री तो दोनों वेक्टर में एंगल कितना है थर्टी फिर आ जाते हैं थर्ड में कितना वेक्टर की वैल्यू कितनी है छे और पहले वाले एंगल से सिक्सटी डिग्री आगे है ये पहला एंगल है इससे साठ डिग्री आगे है तो पहला तो ऐसे ही लिख लो टू दूसरे वाला थर्टी डिग्री आगे है तीसरे वाला साठ डिग्री आगे तो तीन वेक्टर है तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल दो लगाओ अपने वेक्टर के स्किल जो लगाए हैं तो आप पहले फोर का कॉम्पोन ड्रॉ करो फोर कॉस थर्टी फोर साइन थर्टी सिक्स का ड्रॉ करो सिक्स कॉस सिक्सटी सिक्स साइन सिक्सटी ये बनेगा फिर वेक्टर का रूल लगाओ इसमें ये तीनों ऐड कर दो ये तीनों ऐड करो इसमें ये दोनों ऐड करो और फिर रिजल्टेंट निकाल दो आंसर आएगा नेट वेक्टर ऐसे निकलेगा कॉम्प्लेक्स है अगर तीन इक्वेशन हैं तो आपको वेक्टर्स की हेल्प से एम्पलीट्यूड को सॉल्व करना है कोई डाउट इसमें सही है ठीक <laughs> लेवल कुछ और है डोंट रुक जाओ अभी से यार <laughs> ज्यादा है यार वो दिख ही रहा है फोटो में कि यार कुछ अलग ही गेम खेलेगा वो ठीक है एक रोटेशनल मोशन का किसी टेस्ट में आया था जो चंडीगढ़ टेस्ट देने गए थे ऐसी फोटो बनी थी रोटेशनल मोशन में आपके उसमें प्लैंक के ऊपर ये वहीं से आया हुआ है <laughs> वो छोटा क्वेश्चन था इससे बड़ा क्वेश्चन है इसमें एसएचएम भी इन्वॉल्व है उसमें सिर्फ रोटेशनल फ्रिक्शन इन्वॉल्व थी उसमें सिर्फ कराता हूँ फिर रुको छोड़वाऊंगा मैं सब करवा दूंगा ये देखो ये क्वेश्चन करने का एक ही स्टाइल है अगर एक स्प्रिंग और मास एम स्लाइड करते हैं स्लाइड रोल नहीं हमने रोलिंग कभी नहीं की स्प्रिंग के साथ एक मास लगा हुआ और स्लाइड करता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मुला टीज इक्वल टू टू बाई रूट एम बाई के होता है स्टैंडर्ड है यहां क्वेश्चन चेंज हो गया वो कहता है स्लाइड नहीं कर रहा मास देगा फेयर लगा देगा कुछ भी लगाएगा रोल कर रहा है तो स्प्रिंग एक्सपैंड और कंप्रेस हो रहा है और ये फेयर रोल आगे रोल पीछे भी कर रहा है तो अब ये रोटेशनल मोशन की कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन है टाइम पीरियड निकाल लो कोई शॉर्टकट नहीं है इसका क्योंकि इसमें मोमेंट हमेशा इन्वॉल्व होने वाला है कोई शॉर्टकट नहीं कि रोलिंग है रोलिंग में आई तो यूज होना ही होना है तो इसको करने के लिए आपको रिस्टोरिंग फोर्सेज ढूंढनी पड़ती है अब रिस्टोरिंग फोर्स को ढूंढने चले तो एक और प्रॉब्लम है स्प्रिंग में लगेगी रिस्टोरिंग फोर्स उसमें लगेगा टॉर्क अब मैं क्या लू रिस्टोरिंग टॉर्क लू कि रिस्टोरिंग फोर्स लू एक ही टाइम पे एक ही चीज ली जाती है दो तो ले नहीं सकते Concept ही चेंज कर दिया लगाएंगे ही नहीं एस को कोई बॉडी एस एच एम है उसको प्रूव करने का इस केस में जबरदस्त तरीका है किसी भी इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी सिस्टम की कॉन्स्टेंट रहेगी तो जब ये स्प्रिंग मान लो एक्स एक्सपेंडेड है तो उस टाइम पे स्प्रिंग एनर्जी कितनी है हाफ

सिंपलीफाई एस एच एम आ गया एस एच एम के क्वेश्चन लिखो ओमेगा टू बाई बैठ ही टाइम पीरियड आ गया जबरदस्त तरीके एनर्जी से करने का लगता तभी है जब स्प्रिंग और मास रोल करता है हर में नहीं लगता हर को हर बॉडी के एस एच एम का टाइम पीरियड निकालने का तरीका ही डिफरेंट है ये एक्सपीरियंस से आता है कि इसमें क्या लगता है मतलब मेरे को कोई क्वेश्चन दे स्प्रिंग और मास रोल कर रहा है मैं फोर्स से कभी सोचूंगा भी नहीं करूंगा एनर्जी से

अब बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है के से वाई अब एक काम करो आपको वाई निकालना है ना वाई समथिंग इनटू इन तो समथिंग थी एम्पलीट्यूड ही होगा तो आप अपने मन में आपकी क्वेश्चन लिखे ए साइन ओमेगा ये लिख ली यहां रोक के रखें अगर मैं एम्पलीट्यूड निकाल दूं तो आप क्वेश्चन मार्क हो जाएगा सारी गेम एम्पलीट्यूड निकालने की है कनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या किया है क्लास में हाफ एम ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वेयर और वाई की वैल्यू है क्या ए साइन ओमेगा सोल्व करके वन माइनस साइंस कॉस स्क्र यह पूरी की पूरी टर्म इसके आ गई कॉन्स्टेंट 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 और कॉन्स्टेंट इसकी जगह उसने के पुट कर लिया दिया नहीं है दिख रहा है ये पूरा कॉन्स्टेंट है तो अगर ये के इस सम कॉन्स्टेंट के नॉट इन कॉस स्क्र ओमेगा टी राधर इसमें ऐसे कर लेते हैं हाफ जो के नॉट की वैल्यू है राधर यहां चलते हैं ये आपको ये टर्म गिवन है ये टर्म के मैंने हमारी एनर्जी इस फॉर्म में आ गई कंपेयर कर लिया ऐसे बोलो कंपेयर किया इसको और इसको तो के नॉट की वैल्यू पूरी की पूरी के नॉट आ गया के नॉट की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर से ए आ गया इस ए को डिस्प्लेसमेंट वाइज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टाइम इनपुट की ऑप्शन मार्क कर लेना आंसर आ गया समझ आ रहा है तक मतलब कैसे मैथ्स इन्वॉल्व है बात समझ में आ रही है कि कोई कभी मैथ्स लग रहा है कभी एनर्जी लग रही है कभी, फोर्स लग रही है, कभी लग जाता है, कुछ भी प्रैक्टिस है। हाँ आप ये कर लें, पक्की बात है इससे बाहर नहीं जाता एस मेन और नीट मतलब ही नहीं जाने का नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी एस एच एम में इक्वल होती है आपको क्या निकालनी है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ये जो चीज़ मैं सिखा रहा हूं ना ये प्लस टू में ज़्यादा काम आती है क्योंकि हम प्लस टू में एक चैप्टर करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट्स तो ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला यही होता है वोल्टेज का ई नॉट साइनो मेगा टी उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं सेम कॉन्सेप्ट है अभी के लिए आप क्या करेंगे ये प्रूफ आपको करने की ज़रूरत नहीं है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बने बनाया हुआ है एस एच एम के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू हर इंस्टेंट पर क्या हो रही है चेंज आपको एवरेज निकालनी है कॉनेटिक की वैल्यू भी क्या हो रही है हर इंस्टेंट पर चेंज आपको एवरेज कानेटिक निकालनी है तो एक बात बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वाई स्क्वायर वाई की वैल्यू होती क्या है ए साइन ओमेगा तो ये पोटेंशियल आ गई इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी पर आपको क्या निकालनी है एवरेज तो एवरेज निकालने का तरीका होता है एवरेज निकालने का यह तरीका होता है एक फॉर्मूला होता है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी जो टाइम की फॉर्म में है डी टी डिड बाई टोटल टाइम टोटल टाइम वो इसलिए क्योंकि टाइम के साथ हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरी पोटेंशियल एनर्जी को तो ये न्यूमिनेटर पता है क्या दे रहा है टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम ये है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इसमें मैथ्स से इन्वॉल्व है ये पूरी एनर्जी पोटेंशियल को यहां पुट कर देंगे तो ये टर्म आ गई इसको जीरो से टी कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट कर, कुछ नहीं करना आपको पूरा सिखाएंगे, नहीं करना है आपको। एवरेज पोटेंशियल ये मार्क करनी है नोट कर लेना करना ही नहीं इतना लंबा क्योंकि आंसर तो वही आना है ना एवरेज का

घर जाके पढ़ना चाहे पढ़ ले अपनी मर्जी से ज़रूरत नहीं है इसकी पढ़ने की सीधा ऑप्शन मार्क करने को आएगा सीधा मार्क कर देंगे ठीक हो गया मैं तो मैथ भी सिखा रखा है इसमें पर जरूरत नहीं है सिखाने की इतनी ज़्यादा है तो एवरेज कानैटिक एनर्जी का प्रूफ दे रखा है जरूरत नहीं है आंसर सेम है आंसर सेम है ठीक अब जब फॉर्मूला बुकलेट खोल ही ली है अब एक चीज़ और नोट कर लो बहुत बहुत आती है नीट मेन एन तीनों में आ सकती है कि अगर कोई बॉडी एस एच एम में है एस एच एम में है और उसका टाइम पीरियड एक चक्कर का टाइम पीरियड टी है तो बताओ टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एंड कनेटिक एनर्जी कितना होगा आंसर टी बाई टू होगा नोट कर लें इसे लिख लें बताता हूं इसका मतलब क्या है बहुत आता है ये कि अगर एक एस एच एम कैपिटल टी टाइम में कंप्लीट करती है अपना एक रेवोल्यूशन तो पोटेंशियल भी चेंज हो रही होगी पोटेंशियल भी रिपीट करेगी अपनी वैल्यू को कॉनेटिक भी रिपीट करेगी अपनी वैल्यू को तो टाइम पीरियड पोटेंशियल एंड कानैटिक का क्या होगा आंसर टी बाई टू होगा क्यों होगा वैसे तो मैथमेटिकली तरीका है प्रूव करने का पर मैं मैथ्स की हेल्प ना लेते हुए वैसे ही एक मिनट में समझा देता हूँ आपको देखो ये पेंडुलम है टाइम पीरियड क्या होता है ए इधर जाना फिर इधर आना फिर इधर जाना फिर इधर आना एम्पलीट्यूड वेक्टर है इसलिए मेरे को डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ रही है और एक चक्कर का मतलब ये भी हो सकता था यहां से वापस आ गया ना आपको ये भी कवर करना है क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है एनर्जी एक स्केलर है स्केलर में डायरेक्शन मैटर नहीं करती आप देखो मत आप आंख बंद कर लो आप इमेजिन करें यहां पोटेंशियल टेन जूल है कम 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 होती होती कितनी होगी हो जीरो तो तो आंसर टी बाई टू है समझ में आ रहा है कि टी बाई टू क्यों है क्योंकि डायरेक्शन इधर से इधर जाने का मतलब ही नहीं ना डायरेक्शन कौन देख रहा है वैल्यू टू वैल्यू देखनी है सिर्फ पर एम्पलीट्यूड में ऐसा कर नहीं सकते ठीक है वैसे मैथ्स वाले लोग फिर भी सीख सकते हैं अगर चाहें तो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो साइंस स्क्वायर में होती है साइन टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर कॉस टू ओमेगा टी लेके आएगा टू ओमेगा बीच में फंक्शन आएगा मैथ्स के लो मेडिकल नहीं मेडिकल हो गया सुनना सुनना भी मत मैथ्स वालों को समझ में आ रहा है साइंस स्क्वायर कॉस टू ओमेगा टी में लिख सकते हैं कॉस्ट मतलब इसको मॉडिफाई करके कॉस्ट टू ओमेगा टी जरूर आएगा इसमें कॉस्ट टू ओमेगा टी का मतलब होता है अपने मन में सोचें ओमेगा डैश टी तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड क्या आएगा टू ओमेगा टू ओमेगा तो नया टाइम पीरियड पोटेंशियल एनर्जी का ये है और एस एच एम का क्या है टू पाई बाय टी चेक कर लो इसका आंसर टी बाई टू ही आएगा ऐसा भी मैथ्स वाले कर सकते हैं जरूरत नहीं है वैसे ये तरीका सबसे आसान है टी टेन से टेन हो गया टी और आपसे प्रूफ पूछ कौन रहा है आपसे तो एक ऑब्जेक्टिव भी मार्क करवा रहा है भाई बता दो पोटेंशियल का टाइम पीरियड क्या है टी बाई टू लिख लो फॉमुला बुकलेट में बात ही क्लोज करो जरूरी आपने इतना मैथ्स पढ़ना है चाहिए नहीं आपको मैथ्स इतना ठीक है समझ में आ रहा है यहां तक ठीक है यार हम लोग फ्री हैं हमने कर लिया तुम जैसे मर्जी याद कर लो बस उन चीजें मार्क कर देना चाहिए ही नहीं प्रूफ यार जिंदगी में चाहिए ही नहीं करना ही नहीं है आने स्टैंडर्ड चीज है जब दो मासेज हैं और एक स्प्रिंग है एक स्प्रिंग दो मास तो फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी टू टू बाई रूट म्यू बाई केन प्लस एम टू खत्म हो गई शीट ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं